हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हमारी समरी है अर्बन लाइवलीहुड चैप्टर की, जो कि ग्रेड 6 सीबीएसई से लिया गया है। अभी हमने पहले जो चैप्टर था उसमें रूरल लाइवलीहुड के मेन पॉइंट्स देखे, अब हम अर्बन लाइवलीहुड के मेन पॉइंट्स जानते हैं। जो अर्बन लाइफ होती है, यानी जो शहरों की लाइफ होती है, वो गाँव की लाइफ से काफ़ी भिन्न होती है, यानी अलग होती है। जो लोग शहरों में रहते हैं वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, कुछ वेंडर्स होते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग दुकान चलाते हैं। ज़्यादातर लोग अपने काम कर रहे होते हैं, वो किसी के द्वारा एम्प्लॉय नहीं किए जाते हैं। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारी पूरी कंट्री में, जो कि शहरों में काम करते हैं। अगर आप शहरों के मार्केट में जाओ तो वहाँ आपको बहुत अलग अलग तरह की शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, जिसमें मिठाई वाले की है, खिलौनों की है, कपड़ों की है, जूते चप्पलों की है, बर्तनों की है। इसी तरह से शोरूम्स होते हैं बड़े बड़े, कभी आप क्लॉथ शोरूम में जाते हो, गारमेंट शोरूम्स हैं, फुटवेयर शोरूम्स हैं। इस तरह से आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के लोग होते हैं जो कि मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं, और वो अपनी अपनी शॉप्स को या बिजनेस को मैनेज करते हैं। उनको किसी ने एम्प्लॉय नहीं किया गया है, यानी एम्प्लॉय नहीं किया है कि वो अपने खुद के ही मालिक हैं। पर हाँ, वो और लोगों को, बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, जो कि उनकी शॉप में सुपरवाइजर या हेल्पर की तरह काम करते हैं। शहरों में जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं और शॉप्स होती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, कोरियर सर्विसेज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। जो डेली वेजेस पे लेबर काम करती है वो भी आपको बहुत सारी शहरों के अंदर मिल जाएगी। ज़्यादातर वो जो मेसन्स, यानी जो मजदूर होते हैं या जो आपका घर बनाने वाले लोग होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं, उनके लिए हेल्पर का काम करते हैं। बहुत सारे अर्बन लोग जो हैं फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कि गारमेंट फैक्ट्रीज हो गई, शू फैक्ट्री हो गई, और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। गारमेंट फैक्ट्रीज जो होती हैं उसमें ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है कैजुअल बेसिस पे, यानी कि अगर ज़रूरत है या जब एम्प्लॉयर को ज़रूरत है उनकी, तभी उनको बुलाया जाता है, अदरवाइज वो और कोई काम ढूंढ सकते हैं। इस तरह की जो कैजुअल बेसिस की जो जॉब्स होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, ना उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी होती है। वर्कर्स को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काफ़ी घंटों तक काम करें, और साथ ही साथ उनको कोई सुविधा भी नहीं दी जाती है। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं सिटी में जो कि ऑफिसेज, फैक्ट्रीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जहाँ पर वो रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स की तरह एम्प्लॉय होते हैं। अब ये जो परमानेंट और रेगुलर वर्कर्स होते हैं, इनको बहुत सारी बेनिफिट्स दी जाती हैं, जैसे जब वो रिटायर हो तो उनके लिए सेविंग्स हो, हॉलीडेज मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग कॉल सेंटर्स में भी काम करते हैं, जो कि एक नए तरीके का एम्प्लॉयमेंट बनता जा रहा है। कॉल सेंटर्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े रूम्स में सेटअप करे जाते हैं, जहाँ पर उनके सामने वर्क स्टेशन होते हैं जिसपे कंप्यूटर रखा होता है, टेलीफोन सेट रखा होता है, और साथ ही साथ सुपरवाइजर स्टेशन बनाए जाते हैं। इंडिया जो है अब बेसिकली इंडियन कंपनीज के लिए ही नहीं, बल्कि और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए भी एक बड़ा मेजर सेंटर बनता जा रहा है। तो ये थी समरी, आपको समझ में आई, अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।